वैसे तो कलाकार के लिए एक जो एकांत का समय होता है वो बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि हमारा जो रियाज है वो एकांत में ही चलता है, विचार जो है वो भी एकांत में ही होता है। लेकिन हाँ, ये एक महामारी का समय है और इसमें जो एक आपदा का सामना हम कर रहे हैं, महामारी का सामना हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ी चिंता अवश्य होती है कि इस पर हम विजयी कैसे होंगे, कैसे हम पुनः एक बार एक दूसरे से मिल पाएंगे। और आप तो जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो गुरुमुख से सीखने की विद्या है, ये सीना ब सीना तालीम दी जाती है, जी तो सामने बैठ के ही तालीम दी जाती है। तो अब ये तो संभव नहीं है लॉकडाउन में, इसलिए हमें भी ऑनलाइन प्रयोग करना पड़ रहा है सिखाने के लिए भी, अपने स्टूडेंट्स से मिलने का भी यही एक उपाय रह गया जो कि हम कर रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, या पूरी संस्कृति कह लीजिए, भारतीय संगीत कह लीजिए, आज क्या उसकी जरूरत और ज्यादा महसूस हो रही है? क्योंकि जो जीवन दर्शन चाहिए, कहीं भटकाव हो रहा है विकास के नाम पर। ये कोरोना जैसी महामारी भी उसी का परिणाम है, और भी कई तरह के जो हालात बिगड़ते दिखते हैं। तो आपको लगता है कि भारतीय संगीत में वो उसका उत्तर है कि हम पूरे विश्व को दे सकें और उनको शांति की राह पे ला सकें? भारतीय शास्त्रीय संगीत तो ऋतुओं से जुड़ा ही हुआ है, जो एक डिसिप्लिन है, उसमें जो एक नियमबद्धता, एक साधना का जो हिस्सा है, वो तो जरूर अवश्य ये बताता है कि हमें बहुत सारी चीजों की तरफ इंगित करता है हमें। जी अब उन पर हम विचार करेंगे कि नहीं या करना चाहेंगे कि नहीं, ये समाज के ऊपर है। आप तो जानते ही हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में चाहे वसंत हो, चाहे वर्षा हो, चाहे हेमंत हो, इन सब ऋतुओं का वर्णन है, और ये सब ऋतुएं धीमे धीमे कुछ धुलती घुलती सी जा रही हैं आपस में। ये सारी क्लाइमेट चेंज की भी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि इनका उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के पास है, लेकिन अवश्य ये अपने पास एक ऐसी धरोहर है जिसमें ऋतुओं को, दिन को, रात को, पूरे जो प्रहरों का एक विचार है, वो सब इसमें है। और इससे प्रेम करने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो स्वयं कलाकार हों या श्रोता हों, उनको इन सब चीजों पे विचार जल्द ही करना पड़ेगा कि हमारे पास ये सब इशारे हैं, अगर हम उन इशारों को नहीं समझेंगे तो हमारी बेसमझी होगी। मतलब सिर्फ विज्ञान को ही विकास का रास्ता समझ लेना, ये कहीं ना कहीं भूल है, और उसी का परिणाम हमको इस तरह की आपदाओं में हमको नजर आता है। क्योंकि आपसे बात हो रही है, और हमारे सभी श्रोता जरूर बेसब्री से इंतजार करेंगे कि आपसे कुछ सुने भी, कुछ कहें हमारे मध्य प्रदेश के श्रोताओं के लिए। आपके मध्य प्रदेश में आना हमेशा मेरे लिए एक बहुत हर्ष का अवसर रहता है, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न केवल खुद बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आपके जो श्रोता आते हैं वो भी बड़े सुखी श्रोता होते हैं। और केवल संगीत के लिए नहीं, उनके मन में साहित्य के लिए, कला के हर एस्पेक्ट के लिए उनके पास उसकी जानकारी होती है, उसको उसको सुनने आते हैं, देखने आते हैं। तो आपके यहाँ तो साहित्य के भी इतने बड़े बड़े लोग हैं जी कि बड़ा मजा आता है। बहुत जगह आजकल जब हम जाते हैं तो लोग भारतीय साहित्य का उतना आनंद नहीं उठा पाते, लेकिन मध्य प्रदेश आते हैं तो ऐसा नहीं लगता। आपको जरूर मैं कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। जरूर। गुनवा ए को नहीं कैसे मने वो सैया, गुनवा ए को नहीं कैसे मने वो सैया, कैसे मने वो सैया, कैसे मने वो सैया, गुनवाए तो नहीं कैसे मने वो सैया, गुनवाए